सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए यहाँ पे आ चुका आपके सामने क्वेश्चन, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है हिंदी 100 मार्क्स का सेट 1 है। इस तरह के आप लोग को सभी सेट प्रोवाइड कर दिएंगे, तो चैनल पर बने रहें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या कर रहा है कि सदैव जो है शब्द का संधि विच्छेद है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद है, देखिए यहाँ पे सौ जोड़ देव है, सत जोड़ एव है, उसके बाद सदैव जोड़ वो है, उसके सदा जोड़ एव है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सदा जोड़ एव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि देख पाएंगे कि स्वर्ग प्राप्त कौन समास है। स्वर्ग प्राप्त जो है कौन सा समास है, देखिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, उसके बाद तत्पुरुष समास है, उसके बाद द्विगु समास है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो दो का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर दो का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे कि करबक करबक के रचयिता है, यानी करबक के रचयिता कौन है। आप लोग को दो यहाँ पे ऑप्शन चुनना है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी जायसी। करबक के रचयिता कौन है, तो जायसी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा देख पा रहे होंगे कि जायसी कह रहे जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की जायसी रचित जो है पद्मावत है उसकी भाषा क्या है। चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवधि क्या है, तो अवधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फाइव का रहा है, देख पा रहे होंगे कि परमौषध शब्द का संधि विच्छेद है। परमौषध शब्द का संधि विच्छेद है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी परमजोर औषध क्या हो जाएगा, परमजोर औषध। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करा है, धन शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी धन क्या है, स्त्रीलिंग पुरलिंग उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धन जो है वो पुरलिंग है, क्या है, पुरलिंग, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेवन का देख पाएंगे कि अनचाह शब्द में उपसर्ग है, यानी अनचाह जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है, आप लोग को चुनना है। तो यहाँ पे उपसर्ग की बात करेंगे तो अनचाह में उपसर्ग क्या है, वो है एन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन। चलिए क्वेश्चन नंबर एट करा देख पाएंगे कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। उद्गम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी उत्जोर गम, क्या जाएगा, उत्जोर गम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नाइन करा देख पाएंगे कहानियाँ का क्या अर्थ है। कहानियाँ का क्या अर्थ है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, बेटी है, उसके बाद सेविका है, दुल्हन है, गोद है। देखिए अभी चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गोद। कहानियाँ का क्या अर्थ है, तो गोद ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर टेन का देख पाएंगे कि नाभादास किस काल के कवि थे। नाभादास जो है किस काल के कवि थे, चार ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी भक्ति काल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 का 11 का देख पाएंगे सूरदास के गुरु का क्या नाम है। सूरदास के गुरु का क्या नाम है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन चार दिए हुए हैं। तो 11 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बल्लभाचार्य, क्या हो जाएगा, बल्लभाचार्य। आइए क्वेश्चन नंबर 12 का देख पाएंगे शिवा बावनी में किसकी कविता का वर्णन है। शिवा बावनी में किसकी कविता का वर्णन है, देखिए ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं। तो 12 का ऑप्शन की बात करें जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्या जाएगा, सी यानी शिवाजी की, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे कि बालकृष्ण भट्ट का निधन जो कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, चार ऑप्शन दिए होंगे दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 20/7/1914 को इसका निधन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे हैं कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है, यानी ये जो है कौन से पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ऑप्शन, तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोलते क्षण, क्या होगा, बोलते क्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का देख पा रहे कहने सॉरी तो 15 का है मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश रचित जो नाटक कौन सा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, यानी अषाढ़ का एक दिन, क्या होगा, अषाढ़ का एक दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसका जो अगला जो क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन 16 का रहा देख पा रहा हूँ कि परगीत और समाज शीर्षक निबंध के रचना सॉरी निबंध के निबंधकार है, यानी कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी नामवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का देख पा रहे होंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा जूठन, उसके बाद तिरिच और क्या है
रोज। 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा आपको चुनना है। तो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जूठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा देख पा रहे होंगे। 18 करा कि लेखक मलयज का मूल नाम क्या था। लेखक मलयज का मूल नाम क्या था, शरत जी श्रीवास्तव, उसके बाद गगन जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव और जगन जी श्रीवास्तव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी भरत जी श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का तिरछी कहानी जो है ये क्या है। तिरछी कहानी है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा यानी जादू, क्या कहा जादुई यथार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कराया कि जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के गांव के क्या नाम था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ सिताब दियारा है, उसके बाद सिमरिया है, उसके बाद शाहजहानपुर है और क्या कहते हैं काशीनगर है। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा यानी सिताब दियारा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे। रघुवीर सहाय का जन्म जो है कब हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 9 दिसंबर 1929 में। कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा कि भक्तमाल क्या है। भक्तमाल क्या है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, माला है, भक्ति चरित्रों की माला, या फिर क्रांतिकारी, या फिर देशभक्त। तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी भक्त चरित्रों की माला। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था, देखिए ऑप्शन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी वृंदावंत। कहाँ था, तो वृंदावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि तुलसीदास का जन्म स्थान जो है कहाँ था। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था, 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, क्या है, राजपुर। क्या है, राजपुर बांदा। चलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करा देख पाएंगे। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। भगत सिंह के पिता जो है कितनी बार जेल गए। चलिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने। 25 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अनेक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप लोग को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी बहुत दुखी। क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 का कह रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। ये तो आसान सा मुहावरे का तो आप लोग पता होगा, डिंग हाकना होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है खिल्ली उड़ाना का मुहावरे अर्थ है। खिल्ली उड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको भी ये पता होना चाहिए। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी व्यंग करना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 28 का व्यंग करना। चलिए आगे क्वेश्चन 29 करा लकीर का फकीर होना यानी इस मुहावरे का अर्थ को बताना। लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पे 29 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी परंपरावादी होना। क्या जाएगा, परंपरावादी होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा है, देख पाओगे कि अस्थावर का विलोम है। अस्थावर का विलोम क्या है, स्थिर, उसके बाद जंगम, उसके बाद सरल, इसके बाद बड़ा। तो अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, 30 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी यानी जंगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का देख पा रहे होंगे क्या करा है कि नर का विलोम है। नर जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा, पुरुष व्यक्ति धनी और या फिर नारी। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 31 का, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी नारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का देख पा रहे होंगे स्तुति का विलोम है। स्तुति जो है इसका विलोम क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी निंदा। स्थिति क्या हो जाएगा, निंदा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहा होंगे कि तलवार का विलोम है। तलवार जो है इसका विलोम क्या होगा, आप लोग को लिखना है। तो तलवार जो है इसका विलोम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सहायक। तलवार क्या हो जाएगा, सहायक। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 का देख पाएंगे अमृत का पर्यायवाची है। इनमें से चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन जो है अमृत का पर्यायवाची है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को और ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सुधा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सुधा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि आश्व का पर्यायवाची है। आश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी तुरंग, जिसको घोड़ा कहते हैं। आश्व का मतलब पर्यायवाची होता है तुरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को और ध्यान से ऑप्शन यहाँ पे आप लोग मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी पाषाण। चलिए पाषाण हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे आप लोग कि किस शब्द के पर्यायवाची यहाँ पे गलत है। 37 को ध्यान से देखिए, किस शब्द के पर्यायवाची जो है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा,
ऑप्शन नंबर 37 का डी हो जाएगा, यानी सूर्य का दीवा वाम वास्कर, ये जो है पर्यायवाची गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहा है कि पुत्री का पुत्र यानी क्या कहलाता है, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है। आसान से क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पुत्री का पुत्र कहलाता है। तो 38 का राइट ऑप्शन की बात करें तो बी यानी नाती कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 करा है, कलम की कमाई खाने वाला, कलम की कमाई खाने वाला को क्या कहते हैं, कलम की कमाई जो खाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए ध्यान से, तो 39 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या ऑप्शन नंबर सी यानी मसीजीवी, क्या कहलाते हैं उसको, मसीजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 40 कह रहा है कि जल में रहने वाला जल में रहने वाली सेना क्या कहलाती है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसको, तो जल में जो भी सेना रहता है उसको कहते हैं नौसेना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पृथ्वी को धारण करने वाला यानी पृथ्वी को धारण करने वाला को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी महीधर, क्या होगा महीधर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे कि घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 42 का राइट ऑप्शन की बात करते जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कंबधारी है, क्या हो जाएगा कंबधारी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, और क्वेश्चन 43 की तरफ देख पाएंगे चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा जो है इसमें कौन सा समास है। तो 43 का क्या जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेंगू समास, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है 44 की गगनचुंबी कौन सा समास है, गगनचुंबी जो है कौन सा समास है। तो 44 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास है, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दिन का विशेषण क्या होगा, दिन जो है इसका विशेषण क्या होगा आप लोग को चुनना है। तो दिन जो है इसका विशेषण की बात करेंगे तो 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा दैनिक, दिन का विशेषण क्या होगा दैनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का देख पाएंगे विशेषण किसे कहते हैं, ऑप्शन ऑप्शन में चार दिए हुए ध्यान से पढ़िए इस ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या होते हैं विशेषण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का जाए देख पाएंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं ऑप्शन देख पाएंगे 5, 4, 7 या फिर 8। तो 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 4, विशेषण के कितने भेद होते हैं 4 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का देख पाएंगे 48 में क्या कह रहा है कि सभा कौन सा लिंग है, यानी सभा जो है वो कौन लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्या होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 का देख पा रहे होंगे, तो 49 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आत्मा कौन लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा क्या है, तो आत्मा जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 50 का देख पाएंगे भीड़ जो है वो कौन सा लिंग है, भीड़ जो है कौन लिंग है, पुल्लिंग उभयलिंग या फिर स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भीड़ जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि देह जो है कौन लिंग है, देह जो है ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे होंगे कि आयु कौन लिंग है, आयु जो है वह कौन लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग या फिर उभयलिंग में से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और उसका ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे, तो 52 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है, वार्तालाप होगा वार्तालाप का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी वार्ता जोर आलाप, क्या जाएगा वार्ता जोर आलाप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि नायक का संधि विच्छेद है, नायक जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग को सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा ऑप्शन नंबर 54 का ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेजर एक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है देख पा रहे होंगे अन्वेषण का संधि विच्छेद है, अन्वेषण जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग को चुनना है। तो 55 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अनेजोर सन, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा अनेजोर सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा देख पा रहे होंगे उद्गम का संधि विच्छेद है, उद्गम जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो उद्गम का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्जोर गम, क्या होगा उत्जोर गम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का देख पा रहे होंगे सुकर्म मैं
उपसर्ग है, सुकर्म के जो है उसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग में पहले वाले लगने वाले को कहते हैं, तो संतावन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी सु। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का है कि समक्य में उपसर्ग बताएं, समक्य में उपसर्ग कौन सा है, आप लोग को चुनना है। तो 58 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सम। समक्य में उपसर्ग क्या है, तो सम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 करा देख पा रहे कि लुटेरा में कौन सा पड़ती है, लुटेरा में कौन सा पड़ती है, देखिए ध्यान से। तो लुटेरा में जो है वो कौन सा पड़ती है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी एरा। क्या है लुटेरा में, तो एरा पड़ती है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करा है, देख पा रहे कि चचेरा में कौन सा पड़ती है, क्या करा कि चचेरा में कौन सा पड़ती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एरा। चचेरा में कौन सा पड़ती है, तो एरा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, व्यापार शब्द का विशेषण होगा, व्यापार शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी व्यापारिक, व्यापार क्या होगा, व्यापारिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी यहाँ पे इनमें से कौन सी कविता है, तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से। ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पुत्र वियोग, क्या जाएगा पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जनजन का चेहरा एक के रचनाकार है, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, देखिए ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि ज्ञानंद पति का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ था, ज्ञानेंद्र पति का जन्म है किस प्रांत में हुआ था, ऑप्शन को देखिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है और झारखंड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर डी जो है झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, देखिए ध्यान से कि लोक जो है इसका विशेषण क्या होगा, लोक का विशेषण होगा लौका है, लौकिक है, उसके बाद लौकिक है, उसके बाद लौका है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन इसके बाद होगा 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लौकिक लौकर कौरसी कौलौकिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा है, समास शब्द जो है इसका अर्थ होता है, समास का क्या अर्थ होता है, विस्तार है, वर्णन है, संक्षेप या फिर पल्लवन, तो राइट ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संक्षेप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, देखिए ध्यान से क्या करा है कि लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, यानी इस शब्द जो है इसमें से कौन सा प्रत्यय, आप लोग पता होना चाहिए प्रत्यय के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 9 का क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पन। लड़कपन क्या है, प्रत्यय है, यानी किसी के मतलब अंतिम वाले वर्ड को जो कहते हैं जो जुड़ा आता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रत्यय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, देखिए ध्यान से कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखें, हिमालय शब्द का उसका संधि विच्छेद क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमजोर आला, क्या होगा हिमजोर आला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि जूठन, जूठन क्या कहते हैं आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम है, देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कालीराम, सॉरी कलीराम, क्या हो जाएगा कलीराम। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है, जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना जो किससे की है, देखिए ऑप्शन को, तो 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कमल से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पर्वती पर्वती मंगल किस कवि की रचना है, पर्वती मंगल जो है किस कवि की रचना है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, 13 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, देखिए ध्यान से कि सूरदास जो है किस शाखा के कवि थे, सूरदास वो किस शाखा के कवि थे, ऑप्शन देखिए 14 का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर बी जो यानी कृष्ण भक्ति शाखा, क्या हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन 15 क्या करा है कि पद्मावती किसकी रचना है, पद्मावती जो है किसकी रचना है, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी है, उसके बाद सूरदास है, तुलसीदास है और नभादास है, तो राइट ऑप्शन 15 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था ए बी सी में डी में ए बी सी डी में कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 करा, देखिए ध्यान से सूरदास की अभिरुचि जो है किस काम में थी, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे 17 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, देखिए ध्यान से जयशंकर प्रसाद के काव्य संकल का नाम लिखें, जयशंकर प्रसाद जो है के काव्य संकल का नाम क्या है इनमें से, तो राइट ऑप्शन 18 का क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या, देखिए ध्यान से जन जन का चेहरा एक शीर्षक, मतलब जन जन का चेहरा एक जो है शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 19 का 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या है गजानन माधव मुक्ति बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कराया कि आधिनी
अधिनायक जो है शीर्षक कविता की रचिता कौन है, अधिनायक जो कविता है इसके शीर्षक कविता की रचिता कौन है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, अशोक क्या कहते हैं वाजपेयी है, ज्ञानेंद्रपति है और रघुवीर है सहायक, रघुवीर सहाय, उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल। तो राइट ऑप्शन बीस का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रघुवीर सहाय। चले आगे बढ़ते हैं, किस कह रहा, देखिए जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे, जय कृष्ण मूर्ति जो है क्या करते थे, लिखते थे, बोलते थे या फिर बोलते और लिखते थे या फिर गाते थे। तो राइट ऑप्शन किसका क्या होगा, बोलते और लिखते थे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 करा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विधा की रचना है, देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो यहाँ पे 22 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डायरी सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो इसका क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि कुरियों शब्द का अर्थ बताएं, सॉरी कुरियों है, कुरियों शब्द का अर्थ बताएं। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का ध्यान से ऑप्शन को देखिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्तिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 कराया, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, देखिए ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन 24 का क्या होगा, 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदन मोहन गुगलानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कराया, सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास जो किस भाषा के कवि है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वज्र भाषा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कराया, सूरदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था, सूरदास का जन्म जो है कब हुआ था, देखिए चार ऑप्शन दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1478 कब हुआ था, तो 1478 अनुमानित। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब पूरा कंफर्म नहीं है, ये अनुमानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, देखिए ऑप्शन को। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूरदास। साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है, तो सूरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, देखिए ध्यान से, तुलसीदास का जन्म जो कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा, 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1543। क्वेश्चन नंबर 29 कराया कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, भूषण को भूषण की उपाधि हुआ किसने दी, देखिए चार ऑप्शन दिया ऑप्शन है। तो 29 का राइट ऑप्शन की बात करें, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जगह, यानी राजा क्या कहते हैं, राजा रुद्र शाह ने किसने दी, तो राजा रुद्र शाह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कराया, देख पाएंगे कि छात्रसाल दशक के रचनाकार है, छात्रसाल दशक के रचनाकार है, कौन है रचनाकार, इनमें से चार ऑप्शन देख पा रहे। तो 30 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 30 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उदय होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कराया, देखिए ध्यान से, जिन ढूंढा तीन पाइया, यानी ये जो है इसमें आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 31 का, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक हो जाएगा, यानी कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। चलो क्वेश्चन 32 कराए कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे को आपको मतलब सही मीनिंग के साथ ढूंढना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 32 का, तो क्या हो जाएगा, 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी ओछा व्यक्ति अधिक प्रसन्न करता है, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कराया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब बताना आपको, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 33 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, इन्हें काम न जानना और बहाना बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कराया कि लोहे के चने चबाना, लोहे के चबाना, ये आसान सा क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, लोहे के लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है, लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 35 कराए, एक पंथ दो काज का अर्थ, एक पंथ दो काज, ये भी कोई मुहावरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। तो 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 35 का यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 कराए कि 3-13 होना का अर्थ होता है, ये तो आप लोग पता ही होना चाहिए 3-13 होना का अर्थ क्या होता है। तो 36 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बिखर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कराए, पुरस्कार का विलोम क्या होता है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 37 का क्या होगा, ध्यान से ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 38 कराए, संपत्ति का विलोम होता है, संपत्ति जो है उसका विलोम क्या होता है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 38 का क्या होगा, 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विपत्ति, संपत्ति का विलोम क्या होता है, विपत्ति। चलिए क्वेश्चन 39 कराया, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन 39 कराया कि ऋण का विलोम है, ऋण जो है इसका विलोम क्या होगा, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 39 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जगह, यानी ओरिन, क्या होगा ओरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि ग्रहण का विलोम होता है, ग्रहण जो है इसका विलोम क्या होता है, हाथ से
छोड़ना हाथ से हाथ में लेना या फिर ग्रहण गोचर या फिर त्याग। तो 48 का राइट सॉरी 40 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी त्याग। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि बादल का पर्यायवाची है, बादल इनमें से कौन सा पर्यायवाची है, मेघ है, जलधर है, उसके बाद जलघर है, तो यहाँ पे जलद और जलधर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी है ये। 41 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के आंकड़ा ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन को कि निशा का पर्यायवाची है, निशा जो है इसका पर्यायवाची है रात्रि, रात या फिर यामिनी या फिर उपयुक्त सभी, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का, गृह का पर्यायवाची है, गृह जो है इसका आसान से क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, गृह का पर्यायवाची क्या है, सदन, घर, आवास, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि ऐश्वर्य क्या कहता है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची है, ऐश्वर्य जो किसका पर्यायवाची है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 44 का क्या होगा, 44 का यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का है, जो प्रकाश युक्त हो, जो प्रकाश युक्त हो उसे क्या कहते हैं, देखिए ऑप्शन को 45 का ऑप्शन क्या होगा, 45 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी भास क्या होता है, भाषुवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का है, जिसकी राह गलत हो, जिसकी राह गलत हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो राइट ऑप्शन 46 का क्या होगा, ध्यान से देखिए ऑप्शन को, तो राइट का मतलब 46 का राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा गुमराह, क्या हो जाएगा, जिसकी राह गलत हो उसके गुमराह, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से देखिए, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसको क्या कहेंगे, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसके लिए क्या शब्द होगा, तो देखिए 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी परीक्षित, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी परीक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के आगे देखिए ध्यान से, जिसे जीवन में विराग हो, सॉरी जिसे जीवन से विराग हो गया हो उसको क्या कहेंगे, जिसे जीवन से विराग हो गया हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, देखिए 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी वितरागी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का है, जिसकी आशय महान हो, जिसकी आशय महान हो, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो 49 का ऑप्शन क्या होगा, 49 का ऑप्शन की बात करेंगे तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी महाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करा है, चंद्रमौल कौन सा समास है, चंद्रमौल जो है कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, 50 का क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 करा है कि आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग, तो राइट ऑप्शन की बात करें अकाउंट का क्या होगा, अकाउंट का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अविभाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करा है, घुड़सवार में जो कौन सा समास है, घुड़सवार में ये कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए आप लोग, तो 52 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 53 करा है, देखिए नॉर्थन में कौन सा समास है, नॉर्थन जो है इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, तो 53 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 54 करा है कि लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर ये है इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 54 का राइट ऑप्शन की बात करें 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर 54 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, देखिए ऑप्शन ध्यान से, तो 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ओजस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करा, डैश वर्षा हो रही है, डैश डैश वर्षा हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो 56 का राइट ऑप्शन की बात करें तो 56 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी मूसला क्या कहते हैं सॉरी मूसलाधार, क्या हो जाएगा मूसलाधार, यहाँ पे मुसलमान है तो हम सोचें मूसलाधार यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मूसलाधार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि कश्मीर की डैश क्या कहते हैं, कश्मीर की डैश छटा देखते ही बन गई, देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे, तो 57 का राइट ऑप्शन की बात करें 57 का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोगों को चुनना है तो राइट ऑप्शन की बात करें 57 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी प्राकृतिक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 58 कराया कि कक्षा में छात्रों की कमी नहीं, कक्षा में छात्रों की कमी नहीं, आप यहाँ पे देखिए डैश दिया होगा, कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे 58 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 58 का डी होना चाहिए यानी आलसी, कक्षा में आलसी छात्रों की कमी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, देखिए ध्यान से, डैश बायर बह रही है, डैश क्या होता है बयार बह रही है, तो यहाँ पे बयार डैश बयार, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये हो जाएगा यानी बसंती बयार बह रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, देख पाएंगे जी का लिंग लेने का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जी क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 60 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी पुल्लिंग, जी क्या है पुल्लिंग है। तो यहाँ पे नए वीडियो में और वीडियो को लाइक नहीं, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि उसको भी फायदा हो सके। मिलेंगे अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।